अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है 1.5 किलो चिकन। तो एक चिकन ले लीजिए और इसके 7 से 8 टुकड़े करवा लीजिए बड़े साइज़ में। और इसके बाद में हम इसको इस तरह से स्लिट्स करके रख लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, आधा टीस्पून रेड फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, दही 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे, तो ये 1 नींबू है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद में लगभग हम इसको 2 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो 2 घंटे हो जाने के बाद में अब हमें खुले साइज़ का बर्तन ले लेंगे, यानी कि बड़े साइज़ का, और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसके अंदर चिकन के पीसेस रखते जाएंगे। तो कुकिंग ऑयल है 100 ml। तो चिकन के पीसेस रख लेने के बाद में इसके अंदर का जो भी मसाला बचेगा वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पे 15 मिनट के लिए। तो अब हम ढक्कन से इसको कवर कर लेंगे। तो 15 मिनट तक पक जाने के बाद में अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो सारे चिकन के पीसेस को पलटा लेने के बाद में अब हम फिर से इसको ढक्कन से कवर कर लेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ भी हमने 15-15 मिनट पका लिया था चिकन के साइड चेंज करके। इसमें का जो भी पानी रिलीज़ हुआ था वो पूरा बहुत अच्छे से अब ड्राई हो गया। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही, इसी के अंदर तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी मसाले हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब ये चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। बटर ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो करिए, या नहीं करना चाह रहे हैं तो स्किप भी कर सकते, अगर ऐड करें तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो चलिए अब हम चिकन को स्मोक फ्लेवर दे देंगे। तो कोयले को अच्छे से गर्म कर लीजिए चूल्हे के ऊपर रख के, और एक कटोरी में रखिए कोयले को इस तरह से, और इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करिए। और अब हम ढक्कन से कवर करके इसको लो हीट पे दम पे रख देंगे ताकि इसके अंदर स्मोक फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए चिकन के अंदर। और 10 मिनट हो जाने के बाद में अब हम ये कटोरी निकाल लेंगे कोयले की, क्योंकि चिकन के अंदर जो है स्मोक फ्लेवर आ गया। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, यह रेसिपी को बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।